हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, आज से मैं आप लोगों को 3 से 4 दिन पहले एक बहुत बड़ी अपडेट दिया था बिहार एसएससी सीजीएल और इंटर लेवल मेंस को लेके। तो फाइनली पेपर में भी ये पब्लिश हो गया है कि दूसरी इंटर स्तरीय का जो नोटिफिकेशन है बहुत ही जल्द आपको मिलने वाला है, और 15 जुलाई के बाद कभी भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं जो संभावित रिक्तियां हैं वो पेपर में पब्लिश हो गई है। आज ही मैं आपको वहां पे बताया था कि लगभग 6000 से ऊपर पोस्ट आएंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल में। तो मैं आपको जो भी जानकारी देता हूं वो ऑथेंटिक जानकारी होती है। देखिए, जो आयोग को जो अलग अलग विभागों से रिक्ति मिली है, पोस्ट की रिक्तियाँ, उसको देखते हैं हम लोग डिपार्टमेंट वाइज। तो अभी आज ही वैकेंसी प्राप्त हुई आयोग को, बिहार एसएससी को, तो टोटल लगभग 6000 से ज़्यादा ही पोस्ट आएंगे। और अभी मैं आपको बताऊंगा जो टोटल पोस्ट है वो कितना। तो पहले हम लोग देखते हैं डिपार्टमेंट। तो श्रम संसाधन में अभी तक आशु लिपि की 16, तो आप लोग यहाँ पे की और चीज़ जान जी, लगभग 1500 यहाँ पे वैकेंसी आने वाली है। इसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, 1500 वैकेंसी आने वाली है यहाँ पे, 1200 से 1500। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में आशु लिपि की 12, यहाँ पे कम से कम आपका 200 से 250 वैकेंसी आनी है, ठीक है। तो आप लोग ऐड करते चलिए, लगभग 1700-1800 तो ऐसे ही हो गया यहाँ पे। मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा में एक ही अभी मिली है, जबकि यहाँ पे कम से कम 200, लगभग 150 से 200, तो लगभग 3000 तो वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इन स्वास्थ्य विभाग को लेके। फाइलेरिया निरीक्षक का 69, मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा का 7, मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा अनुदेशक 7, श्रम संसाधन में निम्न वर्गीय लिपिक में 54, मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा टंकक स लिपिक 4, अभियोजन निदेशालय गृह अल्पसंख्यक कल्याण परिवहन विभाग में 75, परिवहन विभाग में आपके 89, खनन एवं भूतत्व में निम्न वर्गीय लिपिक में 58, नगर विकास एवं सह आवास का जो निम्न वर्गीय लिपिक है 8188। तो एक बहुत बड़ी अपडेट है, और ये जो टोटल पोस्ट होता है आप लोग ऐड कीजिएगा, तो ये टोटल पोस्ट होगा अभी जो आधी रिक्तियाँ मिली है 2639। इसको अगर हम राउंड फिगर में भी अगर देखा जाए तो 2650 मांगे तो कितना हो जाएगा आपका, लगभग 5400 से 5400 पोस्ट तो अभी हो ही गया। और आपको आगे आने वाले दिनों में और भी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। आपको यही बता दें कि आयोग के नियम के अनुसार 40,000 से अधिक आवेदन पर 2 स्तरों की परीक्षा, प्रारंभिक, मुख्य और लेने का प्रावधान है। इंटर स्तरीय तो ये तो 40,000 नहीं, ये लगभग 6 लाख 7 लाख फॉर्म आना ही आना है इस पर। इंटर स्तरीय परीक्षा में उसके बाद पद की जरूरत के अनुरूप टंकण, आंसुलेखन या फिजिकल परीक्षा भी ली जाएगी। तो ये बहुत अब बड़ी अपडेट है। जैसे जो लोग प्री और मेंस दिए हैं इस बार बिहार एसएससी में, वैसे ही आगे भी जो एग्ज़ाम्स होंगे सेम पैटर्न होगा। आप लोग अभी से सबक ले सकते हैं, जिनका भी मेंस ख़राब हो गया हो, जिनका भी लो मार्क्स लगता है कि वो फाइनली टाइपिंग नहीं दे पाएंगे, फिजिकल में छट गए हैं, मेरिट नहीं बन पाए, तो इस की तैयारी में लग जाएं। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। लगभग 6 से 7 हज़ार से ज़्यादा सीटें आने वाली है बिहार से सेंट्रल लेवल में, और बिहार एसएससी सीजीएल में 2500 से ज़्यादा ही वैकेंसी आएंगी, उससे कम वैकेंसी नहीं आएगी। तो टोटल आपके 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी आना तय है आपको इस महीना के लास्ट तक, या 15 तारीख के बाद कभी देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी अपडेट थी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जीएस फोरम। कीप कंटिन्यू योर प्रिपरेशन। आप लोग लग जाइए, क्योंकि कोरोना का दौर लगभग खत्म हो चुका है। थर्ड वेव का बहुत कम चांस है, क्योंकि वैक्सीनेशन भी बहुत जोर शोर से हो रही है। तो कोई भी वक्त कोरोना का कहर नहीं आना है। अगर नेक्स्ट वीक अगर देखने को तो आप लोग देख सकते हैं कि मार्च में और अप्रैल में जब फ्लू का प्रकोप ज़्यादा होता है उस समय ये भी एक्टिव हो रही है इसके वायरस। तो कब अगर आना भी होगा तो मार्च के बाद थर्ड वेव अप्रैल में आएगा, और अगर सारे लोग वैक्सीन ले रहे तो इसका कोई एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगा, जिससे कि उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। तो ज़्यादा से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऑथेंटिक अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जीएस फोरम। कीप कंटिन्यू योर प्रिपरेशन। थैंक यू।